दूसरे स्कंद में जो चार श्लोक थे वो ज्ञान योग है, अहमेवास्मेवाग्रे आदि। और ये चार श्लोक ये भक्ति योग है, भक्त का धर्म, भक्त का अर्थ, भक्त का काम, भक्त का मोक्ष। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तु काया। वो कहता है प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे मिले। दासानुदासो भवितास्मि भूया, अर्थात हाथों से हम सेवा करें किंतु मन मन में केवल आप होने चाहिए। आंखों में तुम्हारी सूरत हो, और दिल में तुम्हारी मूरत हो, आंखों में तुम्हारी सूरत हो, और दिल में तुम्हारी मूरत हो, कानों में बंसी की धुन हो, श्यावल बंसी बजैया हो, नंदलाल तुमी घन श्याम तुमी, मनमोहन कृष्ण कन्हैया हो, नंदलाल तुमी घन श्याम तुमी, मनमोहन कृष्ण कन्हैया हो। इस पार तुमी उस पार तुमी, इस पार तुमी उस पार तुमी, भव सागर पार करैया हो, अहम हरि तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तु काया। किंतु मन में केवल आप हो, आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करे और जीवा आपके मंगलमय गुणों का गान करे। ये जीवा दिव्यात्माओं गालियां देने के लिए प्राप्त नहीं हुई, अपशब्द उच्चारण के लिए प्राप्त नहीं हुई। सरस्वती रोती होगी मैं इसकी जीवा पर क्यों विराजमान हो गई जब कोई गाली देता होगा। मनु जी ने बड़ी सुंदर बात कही है न्याय के विषय में, लोग वैसे ही मनु जी करते हैं। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण से यदि हत्या हो जाए तो राजा उसको क्षमा कर सकता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति हत्या करने की नहीं थी, हो गई। किंतु यदि ब्राह्मण स्वप्न में भी गाली देता है तो उसका सिर काट देना चाहिए। यह है मनुस्मृति।
लोग पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, बस वही शूद्र था श्रमिक के लिए लिखा, वो गाली बकता है तो बकने दो, किंतु हत्या करता है तो उसको दंड दो, क्यों वो प्रवृत्ति न बन जाए उसकी। उसकी प्रवृत्ति न बन जाए वो, तो उन्होंने तो प्रवृत्ति का विषय लिखा है। ब्राह्मण यदि गाली देगा तो सारे लोग उसका अनुकरण करेंगे, संसार में गालियां ही गालियां हो जाएंगी। इसलिए मेरी जीवा क्या करे, भगवान के गुणों का स्मरण करे। तो रोष हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है किसी के ऊपर, किंतु रोष और क्रोध की अवस्था में भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए हमारी जीवा से। गोविंद का नाम लोभ है। चित्रकूट में हमारे एक महात्मा थे, वसुदेव आश्रम, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, कितने ही क्रोधी हो जाते थे पर अंत में गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। क्रोध भी उपासना बन गया उनका। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मना स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तो काया। भगवान ने कहा अभी तू इंद्र से इंद्रासन के लिए लड़ रहा था, अब तुझे पता चल गया नहीं मिलेगा, मरने वाला है तो मेरी शरण ले रहा है। उन्हें कहा नहीं, मेरा अर्थ इंद्र आसन नहीं है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वाम विरहिकांक्षी। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छात्र राज्य, योग की सिद्धियां और यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता, फिर क्या चाहता है। उन्हें कहा आपका विरह का अनुभव करके मैं जन्म जन्म चाहता हूं, जब भी जन्म मिले आपके विरह का अनुभव कर, समंजस्त्वाम विरही कांक्षी, क्यों विरह में आपके गुणों का स्मरण होगा, मैं आपके गुणों का स्मरण करना चाहता हूं। अजात पक्षा इव मातरम खग, ये काम भक्त का काम है ये। अजात पक्षा इव मातरम खग, स्तन्यम यथावस्तदा क्षुधार्ता, प्रियम प्रिये विषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वा। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माता जो उनके लिए चुग्गा लेने के लिए गई है उसका इंतजार करते हैं, जैसे खूंटे पर बंधे हुए बछड़े गोधूली बेला में अपनी गौ माता का इंतजार करते हैं, और जैसे कोई पतिव्रता पत्नी परदेश या विदेश में गए हुए अपने पति का इंतजार करती है, वैसे मैं आपके दर्शन के लिए छटपटाऊं।
जिसे पंखहीन बच्चे छटपटा रहे हैं। अपनी माता के इंतजार में, जैसे गाय के बछड़े छटपटा रहे हैं, गोधूली बेला होने पर अपनी मां का इंतजार करते हुए। और ऐसे ही एक पतिव्रता पत्नी छटपटाती है अपने पति के इंतजार में, वैसे ही मैं छटपटाऊं आपका इंतजार करते हुए। केवल एक इच्छा रह जाए और कोई इच्छा नहीं, मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। केवल आपके दर्शन की इच्छा और कोई इच्छा नहीं रहे, मनोरविंदाक्ष दिदक्षते। और उसका मोक्ष क्या है, भक्त के लिए मोक्ष क्या है? वो ये नहीं है कि हम नाम है दोबारा आ जाए, अपने कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मिले, कोई बात नहीं। आपकी माया के वितरक तो बहुत है, किंतु मुख्य रूप से आपकी माया चार जगह रहती है। सबसे अधिक तो इस शरीर में रहती है, फिर इस शरीर से उत्पन्न पुत्र में होती है, फिर पुत्र उत्पन्न करने में साधन बनी पत्नी में होती है, और पत्नी के साथ जिस घर में रह रहे होते हैं उसमें होती है। त्वन्मायात्म आत्मज दार की है, भगवान ने कहा तो तुम्हें ना दें। उन्हें कहा प्रारब्धवश अगर मिले तो मिल ले, किंतु वो हमारे चित्त में प्रवेश न करे। देखो गंगा जी बड़ी पवित्र है, हम उनकी पूजा भी करते हैं, हम आरती भी करते हैं। ऋषिकेश में तो मुनि जी के यहां नित्य आरती होती है गंगा जी। गंगा जी कहें मेरे ये भक्त मेरे घर आते हैं, मेरी आरती करते हैं, चलो मैं इनके घर चलूं, और हमारे घरों में आ जाए, आरती उतारोगे, स्वागत करोगे क्या? ओ बाढ़ आ गई, हाँ अगर संसार गंगा की तरह पवित्र है तो भी हमारे चित्त में प्रवेश न करे। देखिए हर शहर में गंदे नाले की जरूरत है या नहीं, सीवरेज की आवश्यकता है या नहीं है, किंतु वो चोक हो जाए और उल्टा हमारे घरों में हो फिर निकलने लगे तो। अगर संसार गंगा की तरह पवित्र है तो भी अपनी सीमा में रहे, और यदि गंदे नाले की तरह अपवित्र है तो भी अपनी सीमा में रहे। सुखदेव जी ने संसार की निंदा की है, रंभा आदि अप्सराओं ने इसकी प्रशंसा की है, तो चाहे ये पवित्र है चाहे ये अपवित्र है तो भी इंद्रियों का इंद्री में वर्तन ठीक है, गुणों का गुणों में वर्तन ठीक है, किंतु हमारे चित्त के अंदर संसार प्रविष्ट न हो।
त्वन्मायात्मज दार्गेहे सुसक्त चित्तस्य ननात भूया। भगवान ने कहा भैया ऐसा कैसे होगा, जब तुम्हें शरीर मिलेगा, जब तुम्हें पुत्र मिलेगा, पत्नी मिलेगी, घर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये चित्त में प्रवेश करेगा। उन्हीं का नहीं महाराज, हमारी मित्रता जहां भी जन्म हो ऐसे संत महात्माओं से करा देना जो नित्य आपकी कथा श्रवण करा करा के हम में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न रखे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतक स्वर्गम भी त्वन्मायात्म आत्मज दार्गे हे स्वसक्त चित्तस्य ननात भूया। सत्संग ही संस्कृति को अंत करने वाला साधन है और कोई साधन नहीं है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सारे मंगलों का मूल है सत्संग। सत्संग से पांच कन्याएं प्राप्त होती हैं और एक पुत्र प्राप्त होता है। सत्संग से पांच कन्याएं प्राप्त होती हैं, क्या? मति की रति गति भूति भलाई, सारी स्त्रीलिंग है। तो सत्संग करोगे तो मति बुद्धि, कीर्ति आपकी कीर्ति बढ़ेगी, गति शुभ गति होगी, मति कीर्ति गति भूति विभूतियां ऐश्वर्य मिलेगा और भलाई अच्छाई। ये पांच चीज सत्संग से प्राप्त होंगी, ये पुत्रियां हैं सत्संग की। मति की रति गति भूति भलाई, जहां जही जतन जहां जही पाई, सो जान अव सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन। ये पांच कहीं भी दिखाई देती हैं तो समझ लो इसने सत्संग किया है, इसलिए इसको मिली। मति की रति गति भूति भलाई, पांच कन्याएं हो गई तो एक पुत्र भी मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पांच पुत्रियां और एक पुत्र जिस साधन से प्राप्त हो रहा है उस साधन को छोड़कर किसी और साधन के पीछे हम क्यों चले। इसलिए वत्रासुर कह रहा है जहां भी हमारा जन्म हो, जब भी हमारा जन्म हो, जिस योनि में हमारा जन्म हो, वहां आपकी वैराग्यमयी कथाओं को श्रवण करा करा के हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न कर दे, जिससे ये संसार हमारे चित्त में प्रवेश न करे। चित्त में संसार प्रवेश न करे तो मुक्ति। भक्त आवागमन से मुक्ति नहीं चाहता, वो तो चाहता है संसार में रहते हुए मैं मुक्त रहूं। और संसार में रहते हुए मुक्त कैसे होऊंगा, ये हमारे चित्त में प्रवेश न करे।